सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल अजहर चैनल को और साथ में लगा बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए हम आज का ये टॉपिक शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल अजहर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज आपको बताने वाला है कि आप यहाँ पे जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं तो इसके बैकग्राउंड में फ़ोटो कैसे लगाएंगे फ्रेंड। तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि जैसे कि आप यहाँ पे सेटिंग को ओपन करते हैं फ्रेंड, तो सेटिंग को ओपन करते हो तो आप देख सकते हैं जो कि इसका बैकग्राउंड है बिल्कुल आपको यहाँ पर वाइट दिख रहा है। तो फ्रेंड, इसमें आप अपना खुद का फ़ोटो कैसे लगाएंगे, यानी फ्रेंड आप मोबाइल को जहाँ पर भी आप ओपन करेंगे, कोई भी एप्लीकेशन को यहाँ पर ओपन करेंगे, मान लो कि मैं यहाँ पर डायलर ओपन कर रहा हूँ, तो जो भी आप ओपन करेंगे सिंपली आपको वहाँ पर जो बैकग्राउंड होंगे उसमें जो फोटो आप चाहें वो फोटो लगा सकते हैं आप। ये तो आप यहाँ पर व्हाट्सएप खोलें, व्हाट्सएप भी खोलेंगे तो आपको सेम फोटो देखेंगे। यानी कि फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं कि अगर आप अपने फ़ोन को चलाओगे और फ़ोन को चलाते चलाते जहाँ भी चले जाओ, अपने कोई भी एप्लीकेशन में जाओ या तो अपने अपने सेटिंग में जाओ, अपने डायलर में जाओ, कहीं भी जाओगे तो वो फोटो को आपको आसानी से देख पाओगे उसके बैकग्राउंड में। तो ये सब कैसे करना है फ्रेंड, ये सब बहुत ही आसान करना है। मैं आपको इस वीडियो में आज आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ फ्रेंड। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जो भी इस वीडियो को नए देख रहे हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक कर देना फ्रेंड। तो चलिए वीडियो को हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, ये सब करने के लिए आपको सिंपली एक एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत है जिसका नाम है डिजाइनर टूल्स। तो ये एप्लीकेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक मिल जाएगा, अगर आप वहाँ सब चाहेंगे तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे प्ले स्टोर से डाउनलोड करके दिखा रहा हूँ डिजाइनर टूल्स, उस एप्लीकेशन को आपका नाम है तो आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर लाइव यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि आपको कौन सा एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। तो सिंपली आपको ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है और इस एप्लीकेशन में कुछ आपको सेटिंग कर देना है जिससे आप अपने फ़ोन की कहीं पर भी जाओगे तो आपका अपना खुद का फ़ोटो दिखेगा। सेटिंग में जाओ या तो डायलर में जाओ या व्हाट्सएप में जाओ या आपको कहीं भी जाओ अपने फ़ोन में तो आपका अपना खुद का फ़ोटो मिलेगा। तो आप देख सकते हैं ये एप्लीकेशन मैं यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर डाउनलोड कर चुका हूँ, तो आप फटाफट से इसे डाउनलोड कर लेना है। इसे ओपन करते आपको कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा, आप देख सकते हैं। तो सिंपली आपको यहाँ पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ पर नीचे स्लाइड करना है। आप यहाँ पर देख सकते हो जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर मोकअप ओवर ले, तो सिंपली आपको ये बटन को आपको यहाँ पे इनेबल कर देना, जो कि यहाँ पर आपको ये बटन देख सकते हैं जो कि यहाँ पे बिल्कुल अभी है डिसेबल, तो सिंपली आपको यहाँ पे इनेबल कर देना है। और फ्रेंड्स, इनेबल करते ही आप देख सकते हैं जो कि यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे, जो कि जो आप देख सकते हैं यहाँ पे पोर्ट्रेट, तो आपको सिंपली पोर्ट्रेट में यहाँ पे क्लिक कर देना है। पोर्ट्रेट में क्लिक करते हैं सर फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे बताएंगे कि आप कौन सा फ़ोटो लेना चाहते हो। तो सिंपली आपको यहाँ पर गैलरी में आ जाना है, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी पहले से लगा रखा है तो फिर भी मैं आपको यहाँ पर लगा कर प्रूफ दिखाऊंगा यार। ना तो आप सोचेंगे कि यहाँ पर आपने तो खुद लगा लिया लेकिन कैसे लगाया है, तो मैंने लगा कर चेक किया कि एप्लीकेशन वर्क करता है या बिल्कुल फेक है। तो मैंने लगाया तो देखा कि बिल्कुल 100% वर्क है, इसलिए मैं आपको बना रहा हूँ और आपको ये अच्छे से समझ लेने यार। तो एग्जांपल के तौर पर मैं ये वाला फोटो ले लेता हूँ। फोटो लेने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ 9 सिटी, तो सिंपली आपको यहाँ पे सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको 90 है तो 90 कैपेसिटी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप सिंपली कैपेसिटी मतलब क्या हुआ कि आप फोटो को कितना दिखाना चाहते हैं। मान लो एग्जाम्पल में मैं यहाँ पे मान लो कि अभी 30 रखा हूँ, तो 30 में आप देख सकते एकदम बिल्कुल यहाँ पर लाइट दिख रहा है। यहाँ पर मैं यहाँ पर 90 फुल कर दूँ तो आप देख सकते हैं आपका फोटो इतना दिख रहा है, यानी कि आप अपने कैपेसिटी खुद के हिसाब से रख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप होम आते हैं तो आप देख सकते हो जो मेरा होम में वॉलपेपर उसका बैकग्राउंड में आप देख सकते हो जो कि खुद का मेरा फोटो है। और मैं यहाँ पे मान लो कि मैं सेटिंग में जाता हूँ तो देख सकते हैं मैंने सेटिंग भी ओपन कर लिया है, उसके बैकग्राउंड में देखो तो खुद का मेरा एक फोटो लगा हुआ फ्रेंड। उसके बाद मैं आपको दिखा दूँ, मैं डायलर में जाता हूँ तो डायलर में आप देख सकते हो जो कि खुद के एक मेरा फोटो लगा हुआ आप खुद से यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर आपको व्हाट्सएप में आता हूँ तो व्हाट्सएप में आप देख सकते हैं, स्टेटस में देख सकते हैं, कॉल्स में देख सकते हैं, यानी आप जहाँ जाओ अपने फ़ोन में किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करो, सेटिंग में जाओ, डायलर में जाओ, व्हाट्सएप में जाओ, कहीं भी जाओ आपके ही फोटो मिलेंगे बैकग्राउंड में देखने के लिए, जिससे आपके फ़ोन काफ़ी अट्रैक्टिव देखने में लगते हैं और आपको फोन को काफ़ी खूबसूरती आ जाती है फ्रेंड। तो ये सब करने के लिए आपको सिंपल एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। तो आई होप ये आपको छोटी सी वीडियो में आज आपको यही इन्फॉर्म करने वाला था कि आपने कहीं भी एप्लीकेशन में हो, सेटिंग में हो, आप अपना खुद का फोटो कैसे लगाएं। तो ये वीडियो आपको आई होप समझ में आ गई होगी। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना फ्रेंड। फिर मिलेंगे हम आपके साथ एक अगले टेक न्यूज़ में, तब तक के लिए फ्रेंड थैंक्स फॉर वॉचिंग इस वीडियो को देखने के लिए।